तो आज हम दोनों सर्वाइव करने वाले हैं 100 डेज वन ओशन ओनली ब्लॉक में। इस वर्ल्ड में रिसोर्सेज के लिए हमें फिशिंग करना पड़ेगा, जहाँ पे हमें डर्ट से लेकर डायमंड तक कुछ भी मिल सकता है। और इस वीडियो को थोड़ा और डिफिकल्ट बनाने के लिए अपने पास कुछ गोल्स भी हैं। तो अपना पहला गोल हम दोनों के लिए एक बहुत ही ओपी सा घर बनाना, अपना दूसरा गोल एक फुल्ली एन्चेंटेड मैक्स और नेदरराइट आर्मर लेके एंडर ड्रैगन को डिफीट करना एंड एक बीकन बनाना, एंड फाइनली एक बहुत ही बड़ा एंड ऑसम सा ओशन एक्वेरियम बनाना। तो चलिए इस वीडियो को जल्द करते शुरू और देखते कि क्या हम सर्वाइव कर पाए 100 डेज इन वन ओशन ओनली ब्लॉक इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। तो डे वन पे हम लोग स्पॉन हुए इस वर्ल्ड में, और भाई इस वर्ल्ड में लिटरली बस एक पानी का ब्लॉक था और नीचे में बहुत गहरा वॉइड था, जहाँ पे अगर हम लोग गिरते हैं तो हम लोग डायरेक्टली मर जाएंगे। और मैं अपने पास एक फिशिंग रॉड भी थी। अब मछली से कैसे इस वर्ल्ड में हम लोग सर्वाइव करें वो तो हमें पता नहीं था, पर मैं अपने पास कुछ और चारा भी नहीं था तो हमने फिशिंग करना स्टार्ट कर दिया। एंड पहले ही बार में हमें एक बोट मिल गया था, और इससे हमें ये तो पता चल गया था कि यहाँ पे फिशिंग करने से हमें कुछ भी मिल सकता है। तो डायमंड के लालच में हम दोबारा से लग गए फिशिंग करने के लिए, एंड इस बार हमें थोड़े बहुत डर्ट मिल गए जिससे हमने अपने आइलैंड को एक्सपैंड कर लिया। और अब भाई कम से कम हम लोग नीचे गिर के वॉइड में तो नहीं मरेंगे, वैसे इस बात की गारंटी तो नहीं दे सकता क्योंकि हम लोग मर भी सकते हैं। अब जैसे कि हम लोग बहुत बड़े वाले लालची है, तो इस बार भी हमने थोड़े बहुत डायमंड के लालच में फिशिंग किया, पर इस बार भी हमें एक भी डायमंड नसीब नहीं हुआ। लेकिन डायमंड के बदले हमें बाकी सब कुछ मिल गया था, मतलब लिटरली आप देख सकते हो अपने पास कितना कुछ सामान है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अपने पास थोड़े बहुत वुड है, आयरन है, खाना है एंड वुल है। तो वुड से तो हमने यहाँ पे एक क्राफ्टिंग टेबल बना लिया एंड दो चेस्ट बना ली, क्योंकि अपने पास बहुत सारा सामान था एंड चेस्ट के अंदर सारे सामान हमने रख दिए। इसके बाद हमने यहाँ पे दो बेड बना लिए एंड जैसे की रात हो रही थी तो जल्दी से हम लोग चले गए सोने के लिए, क्योंकि पहले दिन ही हमें भूतों का खाना नहीं बनना था। एक मस्त वाली झपकी के बाद हम लोग दोबारा से लग गए फिशिंग करने के लिए एंड हमने काफी सारा सामान कलेक्ट कर लिया। हाँ, वैसे हमें इस बार भी एक भी डायमंड नहीं मिला। इस बार फिशिंग करके हमें सबसे इंपॉर्टेंट सामान जो मिला है वो है थोड़े बहुत डर्ट एंड सैपलिंग। वैसे तो हमें डार्क ओक के सैपलिंग मिले थे जो कि हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन यार अब हम क्या कर सकते हैं। तो हमने सोचा इस डार्क ओक के सैपलिंग से ही काम चलाने का, एंड आप देख सकते हो बाकी भी हमें बहुत सारे फालतू के सामान मिल चुके हैं लेकिन ये कोई भी काम के नहीं है। तो यार हमने जंगल के थोड़े बहुत स्लैब्स बना लिए एंड जस्ट के अपना जगह बहुत ही ज्यादा छोटा था तो उसको हमने एक्सपैंड कर लिया। फिर हमने थोड़े बहुत यहाँ पे फेंस लगा दिए जैसे कि हम लोग नीचे ना गिरे, एंड अपने पास बहुत सारे फालतू के सामान थे तो हमने चेस्ट लगा दिए एंड सारे सामान उसके अंदर रख दिए। तो फाइनल अपना जगह यहाँ पे हो चुका था एक्सपैंड, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि यार अब हम लोग यहाँ पे दौड़ सकते हैं और नीचे भी गिरने का कोई खतरा नहीं है। तो इसके बाद अपने पास जितने भी आयरन थे उसको जल्द से हमने दे दिया स्मेल्ट करने के लिए, जैसे कि हम लोग अपने लिए एक आयरन का आर्मर बना पाए एंड मॉब से बच पाए। और जब तक अपना आयरन यहाँ पे स्मेल्ट हो रहा था तब तक हमने यहाँ पे एक छोटा सा ट्री फार्म बना लिया, क्योंकि अपने पास वुड की काफी ज्यादा कमी है यार। और अब इस ट्री फार्म को बनाने के बाद होपफुली अपने पास वुड की कमी नहीं रहेगी। देन थोड़ी देर वेट करने के बाद अपना आयरन भी यहाँ पे स्मेल्ट हो गया था, जिसको हमने जल्द से कलेक्ट कर लिया एंड हमने अपने लिए आयरन का आर्मर एंड टूल्स बना लिया। और भाई हमें ये आयरन को बहुत ही ज्यादा सावधानी से यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ये अपने वर्ल्ड का लास्ट आयरन हो। तो मैंने भाई को यहाँ पे आयरन के आर्मर दे दिए, मैंने भी पहन लिया एंड अब अपने पास आयरन का आर्मर है एंड मेरे पास तो डायमंड का स्वॉर्ड, पिकैक्स एंड चेस्ट प्लेट भी है, और भाई के पास भी यहाँ पे एक डायमंड का स्वॉर्ड है। देन यार इतने में अपने ट्रीज भी ग्रो चुके थे तो हमने जल्दी से बहुत सारे ट्रीज को चॉप कर लिया। और अपने पास वुड की भी काफी ज्यादा कमी है, और इसका मतलब है कि हम लोग बहुत बड़े भिखारी हैं क्योंकि अपने पास कुछ भी नहीं है। अब यार अपने पास इन टोटल 47 जंगल के लॉक थे, जिसको जल्द से दे दिया हमने चारकोल बनने के लिए, एंड चारकोल बनने के बाद हमने थोड़े बहुत टॉर्चेस बना लिए। फिर हमने अपने आइलैंड को लाइट अप कर दिया जैसे कि कोई भी मॉब स्पॉन ना हो पाए। तो भाई जब मैं ये सब कर रहा था तब तक भाई यहाँ पे फिशिंग कर रहा था एंड भाई उसको बहुत ही ओपी ओपी सामान मिल गए थे, मतलब लिटरली उसको दो गोल्डन इंचांटेड एप्पल, एक नेदर स्टार एंड एक शल्कर मिल गया था। और ये गोल्डन इंचांटेड एप्पल हम लोग को एंडर ड्रैगन से फाइट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। देन हम लोग दोबारा चले गए थोड़े बहुत फिशिंग करने के लिए जैसे कि हम लोग को डायमंड मिल सके, लेकिन यार अपनी किस्मत बहुत ज्यादा फूटी हुई है क्योंकि हम लोग को इस बार भी एक भी डायमंड नहीं मिला। लेकिन यार हम लोग को यहाँ पे नेदरराइट स्वॉर्ड, एक टोटम ऑफ अंडाइंग एंड बहुत सारे एमराल्ड्स मिल चुके थे, मतलब देख रहे हो अपने पास सब कुछ है डायमंड छोड़ के। और तो और हम लोग को यहाँ पे अजीलिया भी मिल चुका था जिससे हम लोग ओक वुड भी कलेक्ट कर सकते हैं, मतलब अपनी किस्मत में डायमंड तो नहीं लिखा हुआ है। देन यार अपना ट्री फार्म यहाँ पे बहुत ज्यादा छोटा था एंड रास्ते में भी आ रहा था, तो हमने ट्री फार्म के लिए एक अलग सा आइलैंड बनाना स्टार्ट कर दिया। एंड फाइनली अपना ट्री फार्म भी यहाँ पे हो चुका था रेडी, जो कि बहुत ही ज्यादा ऑसम लग रहा था। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे हर वैरायटी के ट्री मिल जाएंगे। हाँ, वो अलग बात है कि अपने पास बस यहाँ पे जंगल, ओक एंड बिर्च है, लेकिन यार बाद में हम लोग यहाँ पे हर एक टाइप के सैपलिंग कलेक्ट कर लेंगे। तो यार अपने पास खाने की काफी ज्यादा कमी थी एंड हम लोग को चाहिए था एक परमानेंट सोर्स ऑफ फूड, तो हमने जल्द से एक छोटा सा वीट फार्म बना लिया। तो यार अपना फार्म बन के तो यहाँ पे रेडी था एंड अब हम लोग को खाने की कोई कमी नहीं होगी, तो हम लोग चले गए डायरेक्टली फिशिंग करने के लिए।
एंड इस बार हमें फाइनली डायमंड नहीं मिला। मतलब यार लिटरली हम लोग कितने देर से फिशिंग कर रहे हैं लेकिन हम लोग को एक भी डायमंड नसीब नहीं हुआ। पर डायमंड को साइड में रख के हम लोग को यहाँ पे ग्रास ब्लॉक, शुगर केन एंड एक लावा बकेट मिल गया था, तो हमने जल्द से कॉबलस्टोन जनरेटर बना लिया एंड अब हम लोग फाइनली कॉबलस्टोन का यूज कर सकते थे क्योंकि अपने पास इन्फिनाइट सोर्स ऑफ कॉबलस्टोन है और इसीलिए हमने जल्द से बहुत सारे कॉबलस्टोन माइन करना स्टार्ट कर दिया। तो यार पूरी रात कॉबलस्टोन्स माइन करने के बाद अपने पास यहाँ पे बहुत सारे कॉबलस्टोन्स हो गए थे, तो जल्द से हमने एक एक्सपी फार्म बना लिया एंड ये एक्सपी फार्म हम लोग इसलिए बना रहे थे जैसे कि हम लोग विलेजर्स को कैप्चर कर सके एंड उससे डायमंड का आर्मर ट्रेड कर सके। और भाई लगे हाथों हमने यहाँ पे एक ग्रास का प्लेटफॉर्म भी बना लिया जैसे कि यहाँ पे काफी सारे एनिमल्स स्पॉन हो पाए। तो यार अपना एक्सपी फार्म भी यहाँ पे बहुत ओपी सा काम कर रहा था, बहुत सारे मॉब्स स्पॉन हो रहे थे एंड शायद कभी यहाँ पे ज़ॉम्बी विलेजर भी स्पॉन हो जाए। पर यार फिलहाल तो यहाँ पे कोई भी ज़ॉम्बी विलेजर नहीं है, बस थोड़े बहुत यहाँ पे बोन्स है। और अपना यहाँ पे ग्रास प्लेटफॉर्म भी बहुत ही ज्यादा ओपी काम कर रहा था, मतलब लिटरली यहाँ पे काफी सारे शीप एंड एक पिग स्पॉन हो गया था। तो हमने यहाँ पे एरिया को डिवाइड कर दिया हर एक एनिमल्स के लिए एंड होपफुली अब जल्दी से काउस भी स्पॉन हो जाए। पर अभी के लिए तो अपना शीप एंड पिग से ही पेट भर जाएगा काम चल जाएगा। तो भाई शीप्स को खिलाने के लिए अपने पास थोड़ा सा भी वीट नहीं था, तो जल्दी से हमने बहुत सारे वीट ग्रो कर लिए। डेनियर भाई यहाँ पे फिशिंग कर रहा था एंड उसको 47 बुक्स मिल गए थे और इसी के साथ अपना काउ भी यहाँ पे स्पॉन हो चुका था, मतलब लिटरली अपनी किस्मत बहुत ज्यादा ओपी चल रही थी। तो हमने शीप्स एंड काउस को फीड करवा दिया एंड अपने पास यहाँ पे बहुत सारे स्प्रूस की सैपलिंग भी थी, तो हमने बहुत सारे स्प्रूस के वुड कलेक्ट कर लिए एंड फिर यार फाइनली बहुत देर वेट करने के बाद अपना सपना यहाँ पे पूरा हो चुका था एंड दो ज़ॉम्बी विलेजर्स स्पॉन हो गए थे। तो जल्द से हमने उनको बोट में बैठा दिया लेकिन अभी तो हम लोग इसको क्योर कर नहीं सकते थे, तो बाद में हम लोग क्योर कर लेंगे। फिर यार इसके बाद हमने देखा कि अपना सारा चेस्ट फुल हो चुका था और अपना सारा सामान बिखरा पड़ा था, तो जल्द से हमने एक छोटा सा चेस्ट रूम के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। तो फाइनल अपना चेस्ट रूम यहाँ पे बन के हो चुका था रेडी, जो कि बहुत ही ज्यादा ऑसम लग रहा था, मतलब लिटरली ऐसा लग रहा था कि ये अपना घर है। और आप सामने से देख ही सकते हो ये बहुत ही ज्यादा ऑसम लग रहा है। हमने बहुत सारे लैंटर्न भी लगाए जैसे कि कोई मॉब ना स्पॉन हो एंड पीछे से काफी सारे चेस्ट लगे हुए हैं। अगर आप अंदर जाओगे तो यहाँ पे बहुत सारे चेस्ट देखने को मिलेंगे, काफी सारे फर्निस देखने को मिलेंगे एंड यहाँ पे सारे चेस्ट रखे हुए जैसे कि हम लोग यहाँ पे सारे सामान को ऑर्गेनाइज रख सके। और तो अपने पास ऊपर में भी एक रूम है जिसको हम लोग बाद में ब्रूइंग रूम बनाएंगे जब अपने पास ब्रूइंग स्टेशन आ जाएगा। देन यार काफी ज्यादा रात हो गई थी तो हम लोग चले गए सोने के लिए एंड नेक्स्ट डे हमने अपने एनिमल्स को फीड करवा लिया। और अभी भी अपना पिग अकेला है, उसका पार्टनर स्पॉन नहीं हो रहा, लग रहा है उसको हमें ऐसे ही खाना पड़ेगा। देन यार अपने पास काफी सारे शुगर केन भी थे, तो जल्द से हमने एक छोटा शुगर केन फार्म बना लिया जैसे कि हम लोग विलेजर के साथ ट्रेड कर पाए। हाँ वो अलग बात है कि अपने पास विलेजर है ही नहीं, लेकिन यार जब होंगे तब तो ट्रेड कर पाएंगे। तो यार इसके बाद फिर से हम लोग चले गए थोड़े बहुत फिशिंग करने के लिए क्योंकि हम लोग को इस बार डायमंड चाहिए था, लेकिन इस बार भी हमें एक भी डायमंड नहीं मिला। पर यार इसी बीच और एक ज़ॉम्बी विलेजर स्पॉन हो गया था, तो हमने उसको भी कैप्चर कर लिया एंड अब अपने पास 3 ज़ॉम्बी विलेजर है जिनको हम लोग बाद में क्योर कर सकते हैं और बहुत ही सस्ते में डील ले सकते हैं। और यार जब हम लोग यहाँ पे फिशिंग कर रहे थे तो हमें ऑब्सीडियन एंड फ्लिंट एंड स्टील मिल गया, तो हमने एक नेदर पोर्टल बना लिया एंड अब भाई हम लोग यहाँ पे नेदर में जा सकते हैं, ब्लेज रॉड कलेक्ट कर सकते हैं एंड ब्रूइंग स्टैंड बना सकते हैं। पर यार नेदर में यहाँ पे पिगलिंस रहते हैं जो कि बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, तो हमने अपना टोटम लिया, अपना यहाँ पे गोल्ड लिया, अपना गोल्डन बूट्स बनाया एंड चले गए नेदर में। फिर यार नेदर में स्पॉन होने के बाद हमने देखा कि अपना नेदर स्पॉन बहुत ही ज्यादा बेकार है क्योंकि यार यहाँ पे हर जगह बैसल्ट है एंड बहुत सारा लावा था। पर एक बात अच्छी थी कि यहाँ पे हॉस्टाइल मॉब्स नहीं थे, तो हम लोग बहुत ही ज्यादा फ्रीली घूम सकते हैं। देन डायरेक्टली हम लोग चले गए फोर्ट्रेस ढूंढने के लिए जैसे कि हम लोग को यहाँ पे बहुत सारे ब्लेज रॉड्स एंड डायमंड मिल सके एंड फाइनली काफी देर ढूंढने के बाद हमें एक फोर्ट्रेस मिल गया। और सच बताओ तो वो फोर्ट्रेस बहुत ज्यादा अच्छा था क्योंकि घुसते ही घुसते हमें ब्लेजर्स ने स्वागत किया और हमने बहुत सारे ब्लेजर्स को भी मार दिया। मतलब आपको तो पता ही होगा यार हम लोग कितने बड़े माइनक्राफ्ट प्रो है, मजाक कर रहा था यार, वीडियो डिसलाइक करने की जरूरत नहीं है। तो काफी सारे ब्लेज रॉड्स कलेक्ट करने के बाद हम लोग चले गए नेदर फोर्ट्रेस को और एक्सप्लोर करने के लिए। अंदर जाते ही हम लोग को यहाँ पे बहुत सारे नेदर वार्ड्स मिल गए थे, उसको हमने जल्द से कलेक्ट कर लिया एंड काफी सारे चेस्ट मिल गए थे जहाँ पे बहुत ही ओपी ओपी लूट्स थी। एंड यार फाइनली 2 चेस्ट में हम लोग को यहाँ पे डायमंड्स मिल चुके थे। तो सारी चीजों को लूटने के बाद हम लोग डायरेक्टली घर वापस आ गए थे। इन टोटल अपने पास 8 ब्लेज रॉड्स थे, काफी सारे डायमंड्स थे एंड बहुत सारा नेदर वार्ड था। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक ब्रूइंग स्टैंड बनाया, बहुत सारे ब्लेज पाउडर बनाया एंड काफी सारे नेदर वार्ड्स को प्लेस कर दिया। एंड अब हमें बार बार फोर्ट्रेस में जाना पड़ेगा नेदर वार्ड्स कलेक्ट करने के लिए। एंड अब तो यार हम लोग विलेजर को भी क्योर कर सकते हैं। तो जैसे कि अपने पास सब कुछ था तो हमने यहाँ पे एक फर्मेंटेड स्पाइडर आई बनाया एंड पोशन ऑफ वीकनेस बना लिए। देन हमने यहाँ पे 3 गोल्डन एप्पल बना लिए एंड पोशन ऑफ वीकनेस विलेजर के ऊपर थ्रो करने के बाद हमने उनको एप्पल भी खिला दिया। और अब बस हमें थोड़ा बहुत वेट करना था एंड अपने विलेजर क्योर हो जाएंगे।
और कुछ ऐसा ही हुआ, थोड़ी देर वेट करने के बाद अपने सारे विलेजर्स यहाँ पे क्योर हो चुके थे, तो उनको हमने साइड में रख दिया। और जैसे कि ये एक विलेजर है, कोई सामान नहीं, तो हमने इनके लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना लिया। डेनियर हमने यहाँ पे काफी सारे बेड प्लेस कर दिए, जैसे कि हम लोग के विलेजर यहाँ पे आराम से रह सके एंड ब्रीडिंग कर पाए। फिर हमने यहाँ पे थोड़े बहुत वर्क स्टेशन भी लगा दिए, जैसे कि हम लोग इनके साथ ट्रेड कर पाए। तो यार अपने पास यहाँ पे काफी सारे वुड थे, जिसको हमने जल्दी से स्टिक्स में कन्वर्ट कर लिया एंड अपने फ्लेचर के साथ ट्रेड कर ली। और भाई अपना फ्लेचर बहुत बड़ा कंजूस था, क्योंकि इसकी जान बचाने के बाद भी हमें बस 2 स्टिक्स के डिस्काउंट दे रहा था, पर फिर भी हमने इससे ट्रेड कर ली। देन हमने आर्मर से काफी ज्यादा ट्रेड कर ली एंड पूरा डायमंड का आर्मर ले लिया। और भाई लिटरली अपना आर्मर और डायमंड का आर्मर 1 एमराल्ड के बदले दे रहा था। तो मैंने डायमंड का आर्मर भाई को भी दे दिया, मैंने भी पहन लिया एंड अब अपने पास इंचांटेड डायमंड का आर्मर है। हाँ वो अलग बात है कि इसमें बहुत ही ज्यादा भद्दी इंचांटमेंट लगी है, लेकिन यार इंचांटेड तो है। देन इसके बाद हमने थोड़े बहुत शुगर केन माइन कर लिया, अपने एनिमल्स को फीड करवा दिया एंड देन हम लोग चले गए थोड़े बहुत बुकशेल्फ्स बनाने के लिए। अब अपने पास ऑलरेडी यहाँ पे 47 बुक्स थे, तो जल्दी से हमने थोड़े बहुत यहाँ पे लॉक कलेक्ट कर लिए, उसको वुड में कन्वर्ट कर दिया एंड बुकशेल्फ्स बना लिए। एंड फिर हमने यहाँ पे एक एंचांटमेंट टेबल बना लिया। फिर इसके बाद यार हमने एंचांटमेंट टेबल को एक्सपी फार्म के सामने सेटअप कर दिया, जिसके हम लोग एक्सपी कलेक्ट कर पाए और एंचांटमेंट भी कर पाए। मतलब दिमाग देख रहे हो यार, दिमाग की कमी नहीं है अपने पास। और हम दोनों के पास काफी सारे लेवल्स थे, तो जल्दी से हमने पूरे डायमंड के आर्मर को एंचांट कर लिया। तो यार अपने पास यहाँ पे डायमंड का एक्स एंड शवल नहीं था, तो हमने विलेजर के साथ ट्रेड किया एंड डायमंड का शवल एंड एक्स ले लिया एंड फिर हमने उनको भी इंचांट कर लिया एंड इसी के साथ अपने पास पूरा डायमंड का इंचांटेड आर्मर एंड टूल्स था। और यार अब देख सकते हो हम दोनों के ही आर्मर एंड टूल्स में बहुत ही खतरनाक इंचांटमेंट्स है। मतलब लिटरली पूरे आर्मर में प्रोटेक्शन लगा हुआ है एंड टूल्स में एफिशिएंसी लगा हुआ है। और यार अपने स्वॉर्ड में तो यहाँ पे लूट रिंग 3 एंड एफिशिएंसी 4 तक है एंड इसी के साथ हम लोग काफी ज्यादा स्ट्रांग बन चुके हैं एंड एंडर ड्रैगन को चुटकी में हरा सकते हैं। वैसे इस बात की भी हम लोग गारंटी नहीं दे सकते। फिर यार हम लोग को यहाँ पे एक आयरन फार्म बनाना था, लेकिन अपने पास विलेजर ही नहीं थे, तो हमने यहाँ पे काफी सारे ब्रेड बना लिए एंड अपने विलेजर को फीड करवा दिया। और अब हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा एंड हम लोग एक आयरन फार्म भी बना सकते हैं। इसके बाद हम लोग चले जाते हैं अपने एनिमल्स को फीड करवाने के लिए एंड लेवल्स कलेक्ट करने के लिए। और भाई काफी सारे मॉब्स मारने के बाद हम लोग चले जाते हैं फिशिंग करने के लिए। और स्पॉइलर अलर्ट, इस बार भी हमें एक भी डायमंड नहीं मिलता है, पर यार हम लोग को बहुत ही औसम सा सामान मिल जाता है। हम लोग को यहाँ पे 34 एंड पोर्टल फ्रेम्स मिल जाते हैं एंड 31 आई ऑफ एंडर एंड अब हम लोग फाइनली एंडर ड्रैगन को डिफीट कर सकते हैं अपने आइलैंड में एंड पोर्टल बना के। और जब तक मैं यहाँ पे फिशिंग कर रहा था, तब तक भाई को और एक ज़ॉम्बी विलेजर मिल गया था, तो इसको भी हमने क्योर कर दिया, जैसे कि हम लोग इसको मेंडिंग वाला बना पाए। और अपने पास यहाँ पे काफी सारे विलेजर्स आ चुके थे, तो हमने एक छोटा सा आयरन फार्म बना लिया। एंड यार अपना आयरन फार्म बहुत ही ओपी काम कर रहा था, क्योंकि इसको बने बस 1 मिनट ही हुआ है एंड अभी से ये हमें आयरन दे रहा था। एंड अब जब तक हम लोग इस वर्ल्ड में रहेंगे, तब तक यहाँ पे आयरन कलेक्ट होते जाएगा। तो यार इसके बाद हमारा ज़ॉम्बी विलेजर भी यहाँ पे क्योर हो चुका था एंड उसको कैप्चर करने के बाद हमने इसको मेंडिंग वाला बना दिया। और ऐसे में तो हम लोग का मेंडिंग वाला इजिली बन जाता है, लेकिन इस बार हमें बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ा। बट फाइनली ये मेंडिंग वाला बन ही गया था, तो जल्दी से हमने काफी सारे मेंडिंग ले लिए। फिर काफी सारे मेंडिंग मैंने भाई को भी दे दिए, अपने पास भी 6 मेंडिंग के बुक थे, जिसको मैंने पूरे आर्मर में लगा दिया। एंड यार इसके साथ अपने पास पूरा इंचांटेड डायमंड का आर्मर एंड टूल्स है, जिसमें मेंडिंग तक लगा हुआ है। और इसका मतलब है कि हम लोग काफी ज्यादा ओवरपावर्ड हो चुके हैं। देन हम लोग चले जाते हैं यहाँ पे थोड़े बहुत शुगर केन कलेक्ट करने के लिए एंड अपने एनिमल्स को फीड करवाने के लिए। और अब फाइनल टाइम रहता है नेदरराइट माइनिंग पे जाने का एंड अपने पूरे आर्मर को नेदरराइट का बनाने का। एंड अब जैसे कि अपने पास मेंडिंग है, तो अपना टूल्स भी यहाँ पे नहीं टूटेगा। काफी देर नेदरराइट माइनिंग करने के बाद अपने पास यहाँ पे 45 एंशिएंट डेब्रिस हो जाते हैं और बहुत सारे गोल्ड हो जाते हैं। तो गोल्ड के नगेट्स को हम लोग बना देते हैं गोल्ड के इनगट्स एंड सारे एंशिएंट डेब्रिस को स्मेल्ट होने के लिए दे देते हैं। नेक्स्ट डे की सुबह को अपना पूरे एंशिएंट डेब्रिस यहाँ पे स्मेल्ट हो जाते हैं, जिसको हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं एंड इसको नेदरराइट के इनगट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर मैं 6 इनगट्स भाई को दे देता हूँ, 5 इनगट्स मैं रख लेता हूँ और अपने पूरे आर्मर एंड टूल्स को नेदरराइट का कर लेता हूँ। एंड यार अब अपने पास नेदरराइट का पूरा टूल्स एंड आर्मर है, जो कि बहुत ही ज्यादा ओपी लग रहा है। एंड अब तो हमें लिटरली कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है। इसके बाद अपने पास वुड खत्म हो जाते हैं, तो हम लोग चले जाते हैं काफी सारे वुड माइन करने के लिए। तो यार वुड माइन करने के बाद अपने पास यहाँ पे काफी सारे स्प्रूस के वुड हो जाते हैं और अपने पास यहाँ पे घर भी नहीं रहता, तो जल्दी से हम लोग एक ओपी घर के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देते हैं।
फाइनल अपना घर बन के यहाँ पे हो जाता है रेडी, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑसम लगता है। मतलब लिटरली अगर आप सामने से देखोगे तो कुछ ऐसा लग रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, एंड साइड से भी अपना घर और भी ज़्यादा सुंदर लगता है। अगर आप अपने घर को अंदर से देखोगे तो यहाँ पे एक छोटा सा ब्रूइंग रूम है जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, एंड ऊपर जाओगे तो यहाँ पे बेडरूम मिलेगा। और यार ये भी छोटा है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। तो यार आप कमेंट डाउन करके जरूर बताना आपको ये घर कैसा लगा, एंड 10 में से आप इसको कितना रेट देना चाहोगे। वैसे हम रहते तो इसको 10 ही देते। देन यार अब टाइम था फाइनली एंडर ड्रैगन को डिफीट करने का। तो हमने अपने पोर्टल्स को कलेक्ट किया, अपने आई ऑफ एंडर को कलेक्ट किया, एंड चले गए पोर्टल बनाने के लिए। और हमें ये पोर्टल बनाना बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था, मतलब यार पोर्टल बनाना पड़ रहा है, क्या कर सकते हैं। देन हम इस पोर्टल को कर देते हैं एक्टिवेट, एंड अब फाइनली टाइम था एंडर ड्रैगन को डिफीट करने का। तो जल्दी से हम लोग चले गए एंड के अंदर, और एंड में पहुंचने के बाद डायरेक्टली हम लोग क्रिस्टल्स को फोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, एंड देन एंडर ड्रैगन को डिफीट कर देते हैं। और अपना लास्ट हिट के साथ एंडर ड्रैगन भी यहाँ पे हो जाता है डिफीट, एंड ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। मतलब इसका एंड एनिमेशन तो इतना ज़्यादा मस्त लगता है, क्या ही बताऊँ। और यार इस एंडर ड्रैगन को डिफीट करने के लिए तो हमें गोल्डन इंचांटेड एप्पल की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर हम इसके सारे लेवल्स भी कलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि घर जाके हमें इंचांट भी करना रहता है, एंड फिर हम इसके एग को भी कलेक्ट कर लेते हैं। और यार विदाउट इलाइट्रा तो हम लोग घर वापस नहीं जाने वाले थे, तो हम लोग चले गए डायरेक्टली इलाइट्रा को कलेक्ट करने के लिए। एंड भाई अपनी किस्मत इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि हम लोग जब स्पॉन हुए तो हम लोग को स्पॉन पे एक एंड सिटी मिल गया, उस पर भी शिप था। मतलब समझ रहे हो कितना ज़्यादा कोइंसिडेंस था। तो यार हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे और चले गए एंड सिटी को लूटने के लिए। एंड जैसे कि हमें शल्के से ना लड़ना पड़े तो हम लोग डायरेक्टली चले जाते चेस्ट को लूटने के लिए। और भाई इस एंड सिटी में काफ़ी कम चेस्ट रहती है, मतलब एक चेस्ट रहता है ऐसे बाहर और दो चेस्ट रहती है शिप में। एंड शिप के भी चेस्ट को हम लोग लूट लेते हैं, एंड उसमें बहुत अच्छी लूट्स रहती है। एंड फाइनली हम लोग इलाइट्रा को भी ले लेते हैं, लेकिन अब अपने पास बस एक इलाइट्रा है, तो हम लोग दूसरे एंड सिटी को लूटने के लिए चले जाते हैं, एंड उसमें बहुत अच्छी अच्छी लूट्स रहती है। मतलब यार लिटरली हर एक चेस्ट में यहाँ पे डायमंड का आर्मर रहता है, एंड बहुत सारे डायमंड के टूल्स रहते हैं। और इस एंड सिटी में भी इलाइट्रा रहता है, तो हम लोग इसको भी कलेक्ट कर लेते हैं, एंड अब अपने पास दो इलाइट्रा है जिससे हम लोग उड़ सकते हैं। फिर इतने देर एंड में स्पेंड करने के बाद हम लोग डायरेक्टली अपने घर वापस चले आते हैं। तो यार आप देख सकते हो अपने पास कितना ओपी ओपी सामान है, मतलब लिटरली पूरा चेस्ट भर के डायमंड का आर्मर एंड टूल्स है, एंड यार सब में बहुत ही ऑसम ऑसम इंचेंट्स लगी हुई है। एंड अपने को यहाँ पे दो इलाइट्रा मिल जाती है, एंड अपने पास शुगर केन एंड गन पाउडर भी रहती है, तो जल्द से हम लोग यहाँ पे काफ़ी सारे रॉकेट्स बना लेते हैं। और हमें यहाँ पे थोड़े बहुत शल्कर सेल भी मिल जाते हैं, तो हम लोग थोड़े बहुत शल्कर्स भी बना लेते हैं। देन यार हम चले जाते हैं यहाँ पे थोड़े बहुत इलाइट्रा को टेस्ट करने के लिए एंड उड़ने के लिए। और भाई ऊपर से तो अपना आइलैंड और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो भाई थोड़ी देर उड़ने के बाद अब टाइम था यहाँ पे इंचैंटमेंट्स करने का, तो हम लोग अपने एक्स को इंचैंट कर लेते हैं एंड बो को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं। देन यार इतने दिन से अपना आयरन फार्म चल रहा होता है, तो हम लोग चले जाते हैं कितने सारे आयरन है उसको चेक करने के लिए। एंड भाई अपने पास बहुत सारे आयरन रहते हैं, मतलब लिटरली यहाँ पे ऑलमोस्ट 27 स्टैक्स है। तो हम सारे आयरन के यहाँ पे आयरन के ब्लॉक्स बना लेते हैं, एंड अपने पास थोड़े बहुत गोल्ड भी रहते हैं तो उसके भी हम लोग ब्लॉक्स बना लेते हैं। फिर अपने पास नेदर स्टार तो ऑलरेडी रहता है, तो हम लोग यहाँ पे एक बीकन बना लेते हैं एंड बीकन को सेटअप भी कर लेते हैं। तो यार अपना आयरन का बीकन यहाँ पे बन के हो चुका है रेडी, एंड आप देख सकते हो अपने पास यहाँ पे बीकन की स्ट्रेंथ्स भी हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अब हम लोग और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। तो भाई अब फाइनली टाइम था एक्वेरियम बनाने का, तो हम लोग सारे यहाँ पे सैंड को स्मेल्ट होने के लिए दे देते हैं, एंड थोड़ी देर वेट करने के बाद अपना पूरा सैंड यहाँ पे स्मेल्ट भी हो जाता है। फिर हम सारे ग्लासेस को यहाँ पे कलेक्ट कर लेते हैं अपने लिए, और एक प्लेटफॉर्म बना लेते हैं, अपना एक्वेरियम के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यार फाइनली अपना एक्वेरियम यहाँ पे बन के हो जाता है रेडी, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑसम लगता है। मतलब लिटरली यार दूर से देखोगे तो ये इतना ज़्यादा ऑसम लग रहा है कि क्या ही बताऊँ। और अगर आप सामने से देखोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है, इसके अंदर ऑक्सीलोटल और बहुत सारे फिशेज भी रहती है। तो यार आपको ये एक्वेरियम कैसा लगा ज़रूर बताना। फिर ऐसे ही करके अपने 100 यहाँ पे हो जाते हैं कंप्लीट। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, ये सब वीडियोज भी आप देख सकते हो, ये भी बहुत ही ज़्यादा ओपी।